जय महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हां, आज का जो मेरा वीडियो यूपी पुलिस में जो आप लोग की कांस्टेबल की वैकेंसी निकल के आई, जिसका की नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2023 में आप लोग का आ गया था। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई थी, आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप लोग को पूरी डिटेल दी गई है वैकेंसी की। 60,244 आप लोग की टोटल वैकेंसी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए वैकेंसी है, जिसके कि ऑनलाइन अप्लाई 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक आप लोग कर सकेंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में आप लोग को दिया गया। इंडियन नागरिक है तो फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शैक्षिक योग्यता, आप लोग 10th और 12th क्लास पास होने चाहिए। जी हाँ, अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड नहीं होने चाहिए, आप लोग पास होने चाहिए 10th और 12th। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप लोग को दी गई है, यदि ये चीजें हैं तो आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। और एज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग की एज है, जिसको लेकर के मैंने आज आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। जी हां, एज आप लोग की, यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, 18 से 22 साल आप लोग की एज, और एज आप लोग की 1/7/2023 को काउंट होने वाली है। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल एज, और एज आप लोग की 1/7/2023 में यहां पे काउंट होने वाली है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस को किसी भी प्रकार का एज में कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। ओबीसी, एससी, एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है, वो मिल रहा है। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज्यादा खुशी थी, काफी बड़ी वैकेंसी, लेकिन एज को लेकर के कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक दिक्कत थी और इसको लेकर के मांग उठाई जा रही थी कि एज में बेनिफिट मिले। जी हां, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस चीज को रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बातों को सुना। बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी थी कल रात में ही, आप लोग देख सकते हैं कई प्रकार के नोटिस ट्विटर हैंडल से, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी आप लोग को डिटेल दी गई कि आपकी एज में बेनिफिट दी जा रही है। जी हां, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी डीजीपी वगैरह है उनको आदेश दिया कि भाई बच्चों की एज में बढ़ाई जाए, जो भी सीमा वगैरह है, ठीक है। और यहां तक मीडिया में भी आप लोग को 3 साल आयु सीमा बढ़ाई गई, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, लेकिन कोई नोटिस आप लोग का जो है यहां पे नहीं आ रहा था, जिसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि जब तक नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ऐसा ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया गया था कि देर रात आप लोग को जो है यहां पे नोटिस जारी कर दिया जाएगा, और यदि देर रात नहीं हो सकता तो 27 मॉर्निंग में आप लोग को नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग का देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के संबंध में शुद्धि पत्र, जी हाँ, यहाँ पे शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे ये आप लोग का शुद्धि पत्र है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। जैसी इन्फॉर्मेशन कल निकल के आ रही थी मीडिया के माध्यम से, ट्विटर हैंडल से और ऑफिशियल, जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। कोरिजेंडम यहाँ पे जारी कर दिया गया शुद्धि पत्र। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के आरक्षी नगर पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के विषय बोर्ड प्रवासी, ठीक है, आप लोगों का नंबर वगैरह दिया 23/12/2023 के संबंध में, यानी कि 23/12/2023 को जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है इसके संदर्भ में शासन आदेश संख्या जो भी है, ठीक है, 26/12/2023 को जो शासनादेश आया है उसके द्वारा सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, जी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ही नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, सभी को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जा रही है, ओनली और ओनली जनरल ईडब्ल्यूएस ही नहीं, यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। और इसका बेनिफिट आप लोग को अदर स्टेट के बच्चों को भी मिलेगा जो कि यहाँ पे जनरल में काउंट होते हैं। जी हाँ, जो कि यहाँ पे जनरल में काउंट होते हैं तो उनकी भी एज यहाँ पे अब बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग की एज पहले 18 से 22 साल थी मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट के 18 से 25 साल थी जनरल ईडब्ल्यूएस। तो अभी क्या न्यू एज निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को कल ही प्रोवाइड कर दी थी, बिल्कुल यही इन्फॉर्मेशन आप लोग की निकल के आ रही है। जो भी जानकारी आप लोग को दी जा रही है कुछ भी गलत नहीं है। जी आप लोग देखेंगे यूपी पुलिस में आयु सीमा में 3 साल बढ़ाई गई छूट, और 1 जुलाई 2023 से ही आप लोग की एज काउंट हो रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, नोट कर लीजिए, मेल कैंडिडेट हैं आप लोग, जी हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं या फिर आप लोग अदर स्टेट से आते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी है, आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आप लोग की एज अब यहाँ पे 18 से 25 साल हो गई है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी 18 से 25 साल एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग यूपी के जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आप लोग 25 साल तक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल 1 जुलाई 2023 को एज काउंट हो रही है, ध्यान रखिएगा।
इसी प्रकार से आप लोग मेल ओबीसी एससी एसटी हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ही नागरिकों को बेनिफिट मिलता है, तो अदर स्टेट से कोई मतलब नहीं है। मेल ओबीसी एससी एसटी से आप लोग आते हैं तो 18 से 30 साल आप लोग की एज हो चुकी है। यूपी वाले सुन लो बिल्कुल, ओबीसी एससी एसटी अब आप लोग की एज 18 से 30 साल यहाँ पे हो चुकी है। इसी प्रकार से आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर आप लोग अदर स्टेट से आते हैं तो आप लोग की एज अब 18 से 28 साल हो चुकी है। पहले आप लोग की 18 से 25 साल थी, अब आप लोग की एज को बढ़ा दिया गया, 18 से 28 साल आप लोग की एज हो गई है। और फीमेल ओबीसी एससी एसटी से आप लोग आती हैं, पहले 18 से 30 साल आप लोग की एज थी, अब 33 साल हो गई है। तो इस प्रकार से आप लोग को एज में बेनिफिट मिल गया है जनरल ईडब्ल्यूएस। जी हाँ, आप लोग देख लेंगे अदर स्टेट वालों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिला है। जी हाँ, बड़ी रिक्रूटमेंट है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी मांग को सुना। बिल्कुल जैसे जैसी जानकारी आप लोग को दी गई थी, कई नोटिस कई प्रकार की जो है यहाँ पे आप लोग को लेटर्स वगैरह सेंड किए गए थे। जी मैंने पूरी जानकारी आप लोग को दी थी, आप लोग देख रहे, कल रात से ही मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लगा हुआ। सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल से भी आप लोग को यहाँ पे देखेंगे, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय रात में ही ले लिया गया था, लेकिन आप लोग का कोरिजेंडम जारी नहीं हुआ था, कोरिजेंडम आप लोग का जारी हो गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। अब आप लोग को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को जानकारी दे दी गई है कि 3 साल की आप लोग को छूट मिल रही है। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए और इसके साथ साथ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, और 1 लाइक तो बनता ही है, बिल्कुल 1 लाइक बनता है। 3 साल की छूट मिल रही है आप लोग को, एज में बड़ा बेनिफिट है, एक बड़ी भर्ती आप लोग को देखने को मिल रही है। जी हाँ, बड़ी भर्ती आप लोग को देखने को मिली है, तैयारी में आप लोग लग जाइए। और इसके अलावा नोटिफिकेशन की एज की जानकारी आप लोग ले लीजिए, बिल्कुल इसे आप लोग नोट कर सकते हैं और डिटेल वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा आप लोग को मैंने बता दिया है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जनरल में ही अप्लाई करेंगे, जनरल वाली जो एज आप लोग की कर दी गई है। और इसके अलावा आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जी हाँ, 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए, रिटर्न एग्जाम वगैरह आप लोग का होने वाला है। 300 मार्क्स का आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है जिसमें की रीजनिंग हिंदी वगैरह आप लोग की आने वाली है, मैथ वगैरह, ठीक है। 150 क्वेश्चन यहाँ पे 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होने वाले हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है और 0.50 आप लोग की ऋणात्मक अंक है। और रिटर्न एग्जाम की डेट वगैरह की जानकारी भी मैंने आप लोग को दी है, नोटिस के माध्यम से भी आप लोग को एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ, ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिकल वगैरह की जानकारी आप लोग को दी गई है, फिजिकल आप लोग देख लेंगे, हाइट और चेस्ट वगैरह, ठीक है, मेल फीमेल दोनों की जानकारी आप लोग को दी गई है। इसके अलावा रनिंग आप लोग की होने वाली है, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट का समय मिलेगा, फीमेल कैंडिडेट है तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट का समय आप लोगों को मिलने वाला है। तो रिटर्न एग्जाम फिजिकल और मेडिकल के बेस पे ही आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो जैसी जानकारी आप लोग को दी गई थी, ऑफिशियल नोटिस आप लोग का आ चुका है, बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाइए। 3 वर्ष की छूट आप लोग को मिल गई है, हम उम्मीद की जा रही थी जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को एज में छूट मिलेगी, लेकिन सभी कैटेगरी को यहाँ पे एज में बेनिफिट दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आप लोग के लिए, आप लोग का प्रयास, जो आप लोग अपना जो प्रयास आप लोग कर रहे थे, बिल्कुल उसमें आप लोगों को सफलता मिली, सफलता मिली, सफलता मिली। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, जानते पहले आप लोगों से एक उम्मीद, चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर बताइए, इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लाकर के, थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।